आगे चलो। उस्मान साहब उन्होंने जाल बिछा दिया। मेरे आका मोहतात रहे। अपने ही खून में गर्क हो जाओगे। तुम जैसे बेशुमार लोग हमारे कुत्तों की खुराक बन चुके हैं। चलो आओ अपना। उस्मान साहब जाए यहां से। चलो सीधे चलो। उस्मान साहब, उस्मान को तलाश करो। अब तुम नहीं बच सकते बालकाय। आ जाओ लड़ो मुझसे। जब कोई कुत्ता भेड़िया बनने की कोशिश करता है तो क्या होता है? इबरत के लिए वो बेचारा दूसरे कुत्तों के हाथों मारा जाता है। कमांडर बालकाय, उस्मान भाग गया लेकिन उसके सिपाही कब्जे में है। वो उनके लिए जरूर वापस आएगा। इस बार हम वहां जाएंगे कुंगर। काई कबीले में खून का दस्तरखान बिछाएंगे और उन्हें बताएंगे कि बालकाय से टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है। इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया कोनोर?
तुम्हारा चेहरा सबूत के बाजार की तरफ फेर दिया। अपनी सुनाओ सोरा, मुझे क्या होना है? मैं शेर हूं। शेर? जख्मी शेर? मुझे कुछ मत कह सांसा चावश, मेरा भाई दो मानिश झील की तरह है, जबरदस्त है ये, चाहे पत्थर गिरे या बर्फ। मैं नहीं, तुम उसकी बात कर रहे हो शायद। वो मेरा भाई, उसने सिखाया नमरूद के खिलाफ, कारून के खिलाफ। बगावत जिस्म से नहीं बल्कि दिल से कैसे की जा सकती है, उसने सिखाया है हमें ये सब। मेरा शेर, क्या हुआ अब्दुल रहमान गाजी? फिर से किसी गहरी सोच में पड़ गए? हमने जंग में साबित कदमी, खत्ते में घुड़सवारी, आप जैसे हमेशा जंग में रहकर ताड़ियां सफेद कर देने वाले बहादुरों से सीखा है। हाँ, सोच रहा हूं, हमारी वजह से उस्मान साहब जैसे बहादुर के कैद होने के बारे में फिक्रमंद हूं। अल्लाह ना करे अब्दुल रहमान गाजी। आमीन, आमीन, आमीन। सामसा साहब, इस वक्त क्या करेंगे? परेशान ना हो बोरान, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम ईमान लाए। या अल्लाह मदद। मगर हमने तलवारें उठाकर जंगी असूलों के मुताबिक फैसला नहीं किया था। हमने नहीं कहा था कि थकेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। हमने नहीं कहा था, हमने नहीं कहा था कि जहरीले सांपों के सामने हथियार डालेंगे। हाँ कौनर भाई, हाँ बरन भाई, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। कसम खाई थी सामसा, इसी तरह सालिम हम पर जुल्म करते रहेंगे, हम पर ड्रोन है ख्वाब की तरह सवार हो जाएंगे। हमारी जबान, हमारा फैसला और हमारी बात एक ही है। मुकद्दर में जो लिखा है उसे होने दो, शहादत लिख दो हमारी पेशानियों पर। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरी बात अब गौर से सुनो। कुछ हुआ है क्या? बताइए क्या हुआ है? कबीले में कुछ हुआ है क्या? बहुत बुरा हाल है उस्मान, हालात ठीक नहीं। मंगोलों को आप चाहिए। तुंदार साहब ने घुटने टेक दिए। अगर आपने 3 दिन में खुद को हवाले ना किया। से चला गया उस्मान, सऊद पर कब्जा हो चुका है, कबाइल पर हमले कर चुके हैं, सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान, मेरे सिपाही भी गिरफ्तार हो गए। उस्मान, खड़े हो जाएं।
खड़े हो जाएं। मैं तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने की जंगे अहद की मिसाल देता हूं ताकि उस्मान तुम समझ सको। उस दिन जब मैदानी जंग में मुसलमान और मुशरिकीन आमने सामने आए तो सारे जहान के आका पर जो गुजरी क्या वो आसान होगी? पूरे 300 सिपाही उन्हें दरमियान रास्ते में छोड़ गए, तलवार के लगने से जख्मी हुए, होंठ मुबारक पत्थर लगने से फट गए, दांत शहीद हो गए। तलवार का जख्म लगने के बाद जबी मुबारक से खून बह निकला, बहुत से हम सफर खो दिए, यहां तक के अल्लाह के शेर अपने चचा हजरत हमजा को भी उस जंग में खो दिया। उस हाल में भी फरमाया, या रब्बे करीम रहम फरमा, इन्हें हकीकत का इल्म नहीं है। क्या तुम जानते हो बेटे सब कुछ क्यों पेश आया? क्योंकि हमारे पैगंबर के अहकाम पर सही अमल नहीं किया गया। वो मोमिनीन जिन्होंने जंग की इब्तिदा में मुशरिकीन को भागते देखा, उन्होंने पहाड़ की घाटी छोड़ दी और माल गनीमत जमा करने लगे। ये सब भूलो मत उस्मान, ये इस्लाम की कदीम तारीख का सबसे अहम नजरिया है। जब मुसलमान मुंतशिर हुए तो मुशरिकीन उठ खड़े हुए। इस वक्त तुम्हें जो करना है वो मुंतशिर होना नहीं बल्कि जमा करना है, जमा करना। मैं सीनिया में काई कबीले की हैसियत मोमिनीन के लिए पहाड़ की चोटी की तरह है बेटे। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वहां पर मुशरिकीन का जुल्म दुगना हो जाएगा। अब अपने कबीले, खैमे और मकसद को संभालो बेटा, ताकि मोमिनीन फिर से उठ खड़े हों, ताकि मुशरिकीन जलील हों। मायूस हो गया था मैं, गुंचा खातून अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। कबीले में सिलजान खातून के पास जाइए। खातून दुनदार साहब रुक जाओ।
ताकतवर अजीम चंगेज खान की रूह हाल गाय आया है। मेरा बेटा, ये लो कमरे सीधी कर लो, दुश्मन को खुश मत होने दो, सीधे रहो। अब तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। वो सर जो जुल्म के खिलाफ नहीं उठता, जालिम के सामने झुकता है। मेरे सिपाहियों, मेरे भाइयों, बर्दाश्त करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सही बात, बिल्कुल तेज छुरी की तरह होती है। मैं तुम लोगों के पास कैदी लेकर आया हूं। लगता है कि तुम लोग भूल गए हो। मैं बताता हूं, जो सर मंगोलों के सामने नहीं झुकेगा काट दिया जाएगा। या अल्लाह, कैसे निकल पाऊंगा इस मुसीबत से। दुश्मन पर गालिब आने की ताकत नसीब फरमा, मेरे भाइयों की मदद फरमा। जाने तुम किस हाल में हो सिद्दीक, ये इम्तिहान कोई आसान नहीं है सिद्दीक, तुम तैयार हो? हुक्म क्या है उस्मान साहब, आप हुक्म फरमाए। तुम मुझसे गद्दारी करोगे। या अल्लाह मदद फरमा, मदद फरमा मेरे अल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद फरमा।
बताओ मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कौन है आप? जान जाएंगे आप उस्मान साहब। आज के दिन गमगीन चांद आपके मीनारे से चमकेगा उस्मान साहब। आपका वक्त आ चुका है। धुंधार, अफसोस धुंधार, जब कबीले के जवानों पर जुल्म ढाया गया तुम खामोश खड़े थे। तुमने अर्तुरुल साहब की अमानत में खयानत की है। नहीं नहीं, नामुमकिन है ये। वामसी ये जुल्म होते नहीं देख सकता। क्या कर रहे हैं वामसी साहब? हर जगह आपको तलाश किया जा रहा है। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं हजार बार मर जाऊं। अल्लाह के फजल से अभी हम मरे नहीं हैं। चलिए मेरे साथ। बाला, गौंचा खातून, माला खातून, क्या किया? उस्मान साहब अपने साथियों पर हुए गए जुल्म का हिसाब जरूर लेंगे। अर्तुरुल साहब की अमानत महफूज हाथों में है बमसी साहब, पीछे नहीं हटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं मुझसे? जवाबात हमारे पास नहीं है, अंदर हैं उस्मान साहब। अंदर तशरीफ ले जाएं। मुझ पर इस कुत्ते को तुमने मुसल्लत करने की कोशिश की। छोड़ो मेरे भाई को घटिया इंसान। पीछे रहो तो बेहतर है, कहीं तुम कीड़े मकोड़ों की तरह मेरे पांव के नीचे आकर मछली ना जाओ। याद रखना, मैं तुमसे हर एक जुल्म का बदला लूंगा बालका है। इसी जुल्म में गर्क होगी जो किया है और खून में जो बहाया है। देखकर लगता है कि एक बहादुर औरत हो, लेकिन अभी तुम मुझे नहीं जानती। मुझे मंगोलों का लोहे के हाथ वाला बलगाई कहते हैं। खून की नहरें जारी करता हूं मैं, गोश के पहाड़ बनाता हूं। जहां मेरे पांव पड़ते हैं आग भड़कती है। इस खेमे में ना जाने कितने ही खूनी जालिमों की कब्रें बन चुकी हैं बालकाई, तुम्हारी भी बनेगी, याद रखना। तुम्हारा गुस्सा मेरे अंदर के गजब की आग को भड़का रहा है। नीली आंखों वाले, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कत्ल करूंगा।
मशहूर काई सरदार सामसा चाउश। बहुत ही बेरहमी से मारूंगा। अर्तुरुल के बेटे का दोस्त यही है ना? मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। अब तो रहमान खासी। मैंने कहा रुक जाओ। कोनूर, रुक जाओ। बंद करो अपना ये जुल्म। ये मर जाएगा। सालिम इंसान। तुम सब काई कबीले वालों देखोगे कि इन सरों के साथ क्या होता है जो मंगोलों की ताकत के सामने नहीं झुकते। नहीं, छोड़ो इसे। छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दो बेटे को मेरे। तुम्हारी औरतें भी तुम्हारे मर्दों जितनी बहादुर हैं। बालगाय बहादुरों को बेहद पसंद करता है। देखते हैं कि औरतें अपनी बहादुरी की तरह माहिर भी हैं या नहीं। मेरे और मेरे साथियों के लिए कुछ खाने को लाओ। मर जाऊंगी मगर तुम्हारी खिदमत नहीं करूंगी। तो फिर मैं इस जवान का तुम्हारे सामने ही खून पीऊंगा। नहीं, नहीं, छोड़ो। ले आऊंगी। अभी तक खड़ी हुई क्यों हो? जाओ और मेरे लिए लेकर आओ। ताईजान, मत जाए। कहीं नहीं जाए ताईजान।
आप लोग कौन हैं? हम उस अजीम दरख्त की जड़ें हैं जिसे तुर्क कहा जाता है उस्मान साहब। हम अर्घनुकून में शोले बने और आग की तरह मुलाजमत करके पूरी दुनिया को संवारा, और अब हम ओतोगेन से सोगोद तक के मुबारक रास्ते को खोलने आए हैं। आप लोगों के बारे में ना मैंने कभी सुना और ना ही देखा। हम कैद के अंधेरों में जाहिर होते हैं। हम अपने आबाओ अजदाद और गौज की रोशनी से आपका रास्ता रोशन करने आए हैं। मेरे बाबा का खंजर। माशाल्लाह। आपके बाबा अर्तुरल गाजी और दादा सुलेमान शाह हम लोगों में शामिल थे। वो अब हमारे अंदर के बाज चांद और सितारे आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तुर्कों की आखिरी सल्तनत पर, सलजूकियों पर, मंगोलों ने उस पर कब्जा करके उसे बर्बाद कर दिया। मगर मायूसी में पड़ना हमारी रिवायत में नहीं है। सूरत हाल उस खित्ते की बहुत बुरी है जिससे रिवायत जुड़ी थी। हम बंदों की इबादत नहीं करते, ना ही उनके सामने झुकते हैं कभी, लेकिन जुल्म ने चारों तरफ से घेर लिया है हमें। लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं। इसके बरक्स तुर्कों की उम्मीदें खित्ते से लगी हैं। आपके वालिद अर्तुरल गाजी ने इस खित्ते में जो इरादे भेजे हैं वो यही उम्मीदें हैं। जब तक आसमान हमारे सरों पर कायम है और जब तक जहन्नम हमारे नीचे है, हम तुर्क एक सल्तनत की तरह हैं। खास तौर पर इसलिए कि खित्ता चला भी जाए लेकिन रिवायत नहीं जाती। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, लेकिन बालगाय ने हर जगह कब्जा कर लिया है। तुर्क कबाइल से मंगोलों की जीत के धुएं उठ रहे हैं। हम भी इसीलिए यहां हैं, अपने गम को, अपने दिल की उम्मीदें मिट्टी में दफन कर दें। और ये मत भूलिएगा उस्मान साहब, तुर्क अजान के बगैर, तुर्क आजादी के बगैर और तुर्क सल्तनत के बगैर नहीं रह सकता। बालगाय को रोकने वाली ताकत
इस संदूक के अंदर है। बालगाई को तुम पसंद आई? पियो, वरना मैं इस जवान का खून पीऊंगा। नहीं, नहीं। ज़मीन और आसमान के नूर मेरे अल्लाह, ये कौम, ये सल्तनत आपकी है। जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमा, हमारे दिलों को खौफ का कैदी न बना मेरे रब। मुझे इस कौम को जिंदा करने की ताकत अता फरमा। मुसलमानों को जमाने का हुक्मरान बना। हमारे चंगेज खान कहते हैं, अगर दुश्मनों की सरजमीन पर तुम्हें मशरूब पेश किया जाए तो पहले उसे पिलाओ। आखिरकार तुम मौत का मशरूब पियोगे। तुम्हारी मौत वाले दिन कईयों का जश्न होगा। मालगाए
ताईजान, नहीं ऐसा मत करो, छोड़ो, नहीं करो, छोड़ो भाई को। बालकाय, बस बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म। पंख रखने वाले मेरी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते और पंजे रखने वाले उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। खुद को क्या समझती हो नीली आंखों वाली नागिन? हाँ? ताईजान को छोड़ दो, जाने दो ताईजान को, बंद करो अपना ये खेल। सुना नहीं तुमने? नहीं। बस कर दो। बहादुरों, दोस्तों, बात आगे निकल गई है, अब तलवारों के बोलने का वक्त है। क्या उस्मान साहब का इंतजार करें? मेरी बेटी, हम तो इंतजार कर सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं करेगा, मगर बाला खातून, गौंचा खातून, ये एक सख्त जंग होगी। जाएं, जाकर शेख अतबाली को खबर दें, उन्हें बताएं कि अगर काई बच गए तो गाजी होंगे और अगर मर गए तो शहीद होंगे, बस वो हमारे लिए दुआ करते रहें। जाइए फिर। निकाल दूंगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि मेरे खाने में जहर मिलाने से क्या होगा। बस करो, तुम इतने कमजोर हो के एक औरत पर वार कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कुंदोश, कुंदोश, भाई। बालका है। बस बहुत हो गया, ये जुल्म की हद है। बाबा! गुंदार, गुंदोस, या अल्लाह तुम हमारी मदद करो। मेरे बाबा को छोड़ दो, छोड़ दो, बाबा, बाबा। चरवाहों के सरदार, अगर तुम मर गए तो बकरियां कौन चराएगा? बाबा को छोड़ दो। आज आही और गाजियों के एक होने का दिन है, देख लेना तुम। फौरन बाबा के पास जाओ, उन्हें आगाह करो। और तुम? तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं इन सब से निमट लूंगी। अब तुम्हें जाना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। और तुम्हारी भी। अम्मी,
तुम्हारे दुश्मन को कीड़े की तरह मत मारना। उस्मान ने बताया था कि उसका नसब ओगोस खान से मिलता है। हमारी रिवायात में अजीम खून रखने वालों को कालीन में लपेटकर ऊपर घोड़े दौड़ाने चाहिए ताकि उनका खून जमीन पर ना बहे। बुरा होता है। इन सबको भी बाकियों के साथ ले जाओ। छोड़ो, छोड़ो, बेटा, हाथ नहीं लगाना, छोड़ो, नीचे हट जाओ, छोड़ो, छोड़ो। मैं इनके पंख काट दूंगा, वो भी इनके सरदार के सामने। छोड़ा मुझे, कहां जा रहे हो मेरे बेटे को? अब तुम सब देखोगे जो मंगोलों की आतात नहीं करता क्या होता है उनके साथ। छोड़ो मुझे, मरने का मतलब है अपने रब से मिलना, और ऐसे शर्फ के लिए मैं मरने के लिए तैयार। छोड़ो मुझे। गुंदूर साहब, ये क्या, गुंदूर साहब का सर काट रहे हैं? चलो मेरे साथ। मेरा बच्चा बतूर भाई। बेटा, अल्लाह मुझे मेरे बेटे के गम से मत आजमाना। गुंदूर साहब, बालकाए, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। लड़ने का वक्त आ गया है दोस्तों, चलो। मेरे साथियों, बहादुरों, ये वक्त शहादत का वक्त है। ये वक्त लड़ाई का वक्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सिपाहियों से कहो कि रुक जाए। गाइयों, क्या खामोश रहना तुम्हें जेब देता है? सब अपनी तलवारें उठाओ। शैतान खच्चर की तरह खामोश रहना जेब नहीं देता। सिपाहियों, ये शहादत का वक्त है। अल्लाहु अकबर, सबको तलवारें उठानी होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
हिम्मत को तू ही जानता है मेरे रब, तेरी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बालगाय, बालगाय की जहन्नुम में खुशामदीद उस्मान। मैं यहां तुर्कों के कबाइल साफ करने आया हूं। तुम और तुम्हारे नौकर यहां जुल्म सितम बंद करें। जब मैं तुम्हें देखता हूं, जानते हो मुझे क्या नजर आता है? मेरी तलवार से कटी लाश, जिसे मैंने जानवरों के आगे फेंक दिया। शायद आईना देख रहे हो तुम बालगाय। मैंने तुम्हें संजाक सरदार बनाना चाहा और तुम नहीं माने। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बालगाय सिर्फ एक बार बोलता है। मैं अपनी बात से फिरूंगा नहीं उस्मान। अब तुम मेरी नजर में मुर्दा हो। मैं गुलाम बनने नहीं आया हूं, बल्कि चंगेज खान की ताकत देने आया हूं। मैं यहां चंगेज खान की ताकत हमारे खून में है। तुम किस ताकत की बात कर रहे हो? या तो मेरी बात मान लो या फिर अपना मुकद्दर तारीख कर लो। मेरे पास वो खजाना है जिसे कोई मंगोल कभी छुटला ही नहीं सकता। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि चंगेज खान की ताकत हमारी रगों में है। तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो? चंगेज खान कहता है ये ऐसा शख्स जो तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारे सामने आकर जोश दिखाए तो उसे बहादुरी से उसका जवाब देकर डटकर उसका मुकाबला करें। तो क्या ऐसा करने की जरूरत है तुम्हें बालगाय? कोनिया से पैगाम रसा आ गए हैं। मुझे लगता है ये कि हाथू का पैगाम लेकर आए हैं। कयातों की जानिब से पैगाम लाए हैं बालगाय। हाथों ने तलब किया है, वो चाहता है कि तुम्हें
और तुम्हारे सिपाहियों को गोलियां भेजो। ताकतवर गिहा तो तुम्हें कैसे जानता है? आखिर तुम क्या कर रहे हो उस्मान? गिहा तू मेरे पास रखे खजाने की अहमियत को जानता है। मुझे बहुत अरसे से इंतजार था कि वो आए और आगे मुझसे ले जाए। और वो खजाना क्या है? ये तुम क्या कर रहे हो उस्मान? चुप हो जाओ खातून। उस्मान खाली हाथ नहीं आया। सिपाहियों, हटा लो अपनी तलवार। गाए जैर कुताए सजाए मौत को रोक दो। सबको दोबारा से कैदी बना लो। ये गिहातू का हुक्म है। ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। उस्मान ने हमारे सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। आलिशार को ठिकाने लगवा दिया है बालगाय के जरिए। निजामुद्दीन को भी कत्ल कर दिया। और अब की बार बालगाय मंगोल। वो अपनी जनूनियत और हिर्स के साथ हमलावर हो गए। मंगोलों की आग बहुत दूर से हमें तपिश दे रही है बेटा, लेकिन अगर ये करीब आई तो हमें जला देगी। ऐसा नहीं होगा। बालगाय के अलावा इस वक्त मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा बाबा। मुझे वो खलीज हाथ चूम नहीं होंगे जिनका तसव्वुर करते ही घिन आती है मुझे। बालगाय एक बड़ी मुसीबत है। वो एक ऐसी मखलूक है जो किसी की न सुनती है और न मानती है, लेकिन वो हमारी आखिरी उम्मीद नहीं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है निजात का। सल्वादोर। सल्वादोर क्या एतबार के लायक है? हो सकता है धोखा दे दे। आजमाए बगैर हम नहीं जान सकते। हम उसे आजमाएंगे। हम सल्वादोर और मंगोलों को आजमाएंगे। सबसे बेहतरीन जान पहचान अपने आदमी से होती है सोफिया, और मैं मंगोलों को जानता हूं, इसलिए मैं उन्हें कुस्तुनतुनिया की पेशकश करूंगा। उसको हासिल करने की मंगोलों में पूरी ताकत है, और इस तरह तुम मलिका बन जाओगी बेटी, और देखना एक दिन अचानक तुम्हारा मंगोल शोहर मर जाएगा। आपको मेरे साथ खेमे में आना होगा। हम अंदर बात करेंगे।
अंदर आए दुनदार साहब। तुम क्या कर रहे हो उस्मान? ये चंगेज खान की ताकत क्या है? मैं इन मंगोलों को मजीद खूनरेजी नहीं करने दूंगा चाचा साहब। भरोसा रखिए मुझ पे। बालकाई के सामने एहतराम से पेश आओ तुर्क। जानता हूं ये क्या कहेगा। मैं यहां यूं ही मुंह उठाए नहीं चला आया बालकाय। आइंदा से अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मुख्तसर बात करो, मैं सुन रहा हूं तुम्हें। मैं मंगोलों का गुलाम नहीं। चचा मुझे इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है बेटा। हाथों में ये नायाब खंजर कवानीन का रखवाला है। ये वो खंजर है जो चंगेज खान के कवानीन की हिफाजत करता है। का दिमाग खराब हो गया है। मेरे हुजूर उस्मान साहब एक हवा की तरह आए और बलकाय की सांसें रोक दी। एक दफा मैं जब उस सालिम नौयान की कैद में था, अर्तुरुल साहब ने अचानक आकर मुझे बचा लिया था। मेरे बहादुरों, हम इन्हें अपनी सरजमीनों पर सुख का सांस नहीं लेने देंगे। इस बार ये पहले जैसा नहीं है मेरे बहादुरों। इन आंखों ने बहुत से मंगोलों को देखा है, लेकिन बालकाय उन सब से मुख्तलिफ है। ये उन सब से खतरनाक है।